दोस्तों मैं सराव सभी को मेरा नमस्कार। और इस वक्त अभी हम फिर से आप पहुंचे हैं ग्राम कोकड़ी कथा स्थल पे, जहां पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा का कार्यक्रम होना है और ये 2 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक है चलेगा। और अभी नाइट के वक्त जो कार्यक्रम स्थल आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और पूरा जो कार्यक्रम स्थल है सज्जस के तैयार हो चुका है। और चलिए अभी मैं आपको जो कथा स्थल है उनको मैं चारों तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो नाइट में जो कथा स्थल है आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। चारों तरफ लाइटों से काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, चारों तरफ लाइटों से जगमगा उठता है। और यहाँ पे है जसवाल परिवार का घर और यहाँ पे रुकेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी, तो उनके रुकने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और चलिए मैं आपको अभी लेके चलता हूँ अंदर की ओर। तो देख सकते हैं दोस्त आपको जो कथा स्थल है नाइट के वक्त जो सीन आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और अभी नाइट के वक्त काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, आपको कथा स्थल पे आपको अभी से दिखने चालू हो जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्त काफ़ी बड़ा पंडाल है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों सामने आप मंच है देख सकते हैं, जो मंच है पूरी तरह से सज धज के, जो बीच में दोपहर में रंग डेंटिंग पेंटिंग का जो काम बजा था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको जूम करके अच्छे से दिखा देता हूं। तो सामने आप देख सकते हैं ये है मंच जहां पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी बैठेंगे और यहाँ से जो कथा है प्रवचन है वो करेंगे। अब दोस्तों ये जो पंडाल आप देख रहे हैं ये है मेन पंडाल जो आपको नाइट में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और सामने जस्ट आपको कथा स्थल है जहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी बैठेंगे और वहाँ से कथा वाचन वो करेंगे। और उनका जो मंच है आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे पूरा काम है फिलहाल अभी कम्प्लीट हो चुका है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये जो जगह शायद जो आयोजक परिवार उनके परिवार के लिए सुरक्षित है रखा गया। और इस साइड आपको जो पोर्शन आपको इस साइड जो जगह आपको दिखाई देगा तो ये जो जगह है जो VIPs हैं उनके लिए बनाया गया है। पहले ये जो जगह थी काफ़ी छोटी बनाई गई थी लेकिन बट इसको बाद में काफ़ी बड़ा किया गया। जब यहाँ के पुलिस अधिकारी वगैरह आए थे यहाँ पे मीटिंग पे तो उन्होंने बोला कि ये जो जगह काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जा रही है, तो उनके कहने पे ये जो जगह है दोनों साइड के जो VIP जगह है इस साइड और उस साइड जो जगह उनको बढ़ाया गया है। और जो पंडाल आपको इस तरह के 3 पंडाल आपको देखने को मिलेंगे, बीच का जो पंडाल है काफ़ी बड़ा है ये वाला, और उनके अगल बगल पे आपको 2 छोटे छोटे पंडाल इस टाइप आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप सामने बस भी देख सकते हैं जो आस्था चैनल वाला जो यहाँ पे जो बस है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पे जो भैया लोग दिखाई दे रहे हैं ये लोग झारखंड से आए हुए हैं, इस तरह के और भी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं कथा स्थल पर, जो यहाँ पे अभी रात्रि के टाइम पे नाइट स्टे यहाँ पे वो कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये है कार्यक्रम स्थल और यहाँ पे दूर दूर से जो लोगों का अभी से आना है चालू हो चुका है। और सामने देख सकते हैं कार्यक्रम स्थल जो काफ़ी सज धज के तैयार हो चुका है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।